मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के मेधावी छात्रों से एनेक्सी भवन के सभागार में संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेधावी छात्र व छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अगर हमारे मन में आत्मविश्वास है तो यह मानकर चलिए कि हमारे लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है और छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। जीवन में किसी चीज़ को छोटा ना समझिए। अक्सर कोई छात्र कहाँ पर विफल होता है जहाँ वह यह मान लेता है कि यह मुझे याद ही है और मैं इसे कर लूँगा। उसको हल्केपन में लेकर नज़रअंदाज करने की जो आदत होती है या उसकी विफलता का कारण बनता है। इसलिए छोटी छोटी बातों को भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हर महत्वपूर्ण चीज़ को नोट करने की आदत डालना, नोटबुक बनाना, दूसरों के नोटबुक से नहीं बल्कि अपनी बनाई हुई नोटबुक से अपनी तैयारी करेंगे तो अभी जनपद मेरिट में स्थान प्राप्त किया है तो अगली परीक्षा में आपका स्थान प्रदेश के मेरिट में होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी परीक्षा हो उस परीक्षा की पूरी तैयारी करना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा की थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी। प्रधानमंत्री मन की बात के माध्यम से पूरे देश से जुड़ते हैं और अपने तमाम बिजी शेड्यूल के बावजूद देश और दुनिया की किसी विशिष्ट घटना को लेकर समाज में कहां पर कौन व्यक्ति नया कर रहा है उसकी जानकारी हमें देते हैं, जिसमें बहुत सारी रोचक जानकारी मिलती है। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, सदर सांसद रवि किशन, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ला सहित व मेधावी छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हाई स्कूल के जिला टॉपर आकाश निषाद, इंटरमीडिएट की छात्रा कृष्णा प्रियांशी, जानवी शाही, DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया और सदर सांसद रवि किशन ने कहा, आप भी पीछे क्यों देखने लगे? आवश्यक ताकत नहीं है या पीछे कोई ऐसी चीज होती है? देखो, हम एक बार दोहरा दे रहे हैं, पीछे जब देखा है तो आगे चीज क्यों ला रहे हैं? कौन मेधावी बच्चे हैं ये? और ये आगे की दो दो छुड़वा के रखने साथ में जो आएंगे कहीं देख लो पीछे पीछे खाली स्वागत वंदन अभिनंदन। शिक्षा का चरित्र प्रकाश निसंदेह आज जो ये उत्सव हम देख रहे हैं, जो ये संवाद आयोजित और उनके सम्मान में आज हम सभी यहाँ एकत्र हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत वंदन अभिनंदन पुनः करती हूँ और आभारी हूँ कि हमारे नौनिहालों के शैक्षिक उन्नयन हेतु, राष्ट्र उन्नयन हेतु नित नए प्रयास जारी हैं। क्योंकि कहते भी हैं कि किसी भी देश की नींव शिक्षा ही होती है, वैसे हमारा देश, हमारा परिवेश सब कुछ परिवर्तित होता जाता है। तो समझ रहे हैं ना कि यहाँ कितना अध है, क्योंकि जब शिक्षा बदल जाती है तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। हम समृद्ध, सशक्त एवं समर्थ भारत के स्वप्न को अगर उसमें माता पिता, गुरुजनों का, समाज का, सरकार का, जब सबका प्रयास होता है तब वो बहुत ही प्रभावी होता है। क्योंकि आचार चाणक्य अगर हम शिक्षा में देखें तो राजनीति से लेकर शिक्षा तक उनकी बात को, कल के हमारे कर्णधारी ने बहुत बहुत बधाई, सशक्त और समर्थ राष्ट्र के निर्माण की जिम्मेदारी इनके कंधों पर ही है। अब इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। क्रम से हाई स्कूल के सभी बच्चे तैयार रहेंगे। पहला नाम
है आकाश मिशाल, सार्थक मिश्रा, ये इंटरमीडिएट में आखिरी नाम है, बहुत बधाई आपको। अब हाई स्कूल के बच्चे सामने आ रहे हैं, बच्चों जरा जल्दी जल्दी आप आगे बढ़े, मंच पर सामने आकाश है, बहुत बहुत बधाई आकाश। इसके बाद शौर्य चौरसिया, मोहम्मद हिजाम अस्फार, आ जाइए। रानी चौरसिया, आकाश कुमार, इसी क्रम में आगे श्रेया सिंह, आगे बढ़ते हुए अभिनंदन कुमार, सभी को बहुत बहुत बधाई, तालियां बजा दे तो अच्छा लगेगा बच्चों को, उनका हौसला बढ़े। आशुतोष चौधरी, अवंतिका निषाद, बहुत बहुत बधाई सभी बच्चों को, अवंतिका निषाद। इसके बाद आलिया हयात खान, आलिया हयात खान, अगला नाम है अक्यूब अख्तर, क्रम से आइए धीरे। शिवम शर्मा इंटरमीडिएट, वो अनुपस्थित है तो अगर उनकी माता जी ना उपस्थित हो तो मैं सादर उनको मंच तक आऊँ, वो अनुपस्थित है आज यहाँ। नाम मेरा आकाश निषाद है। उन्होंने कहा कि मतलब और अच्छे से पढ़िए, और उन्होंने हम लोगों को बधाई दी क्योंकि हम लोगों ने जिले में प्रथम स्थान मैंने प्राप्त किया हुआ था पूरे जनपद में, तो उन्होंने बहुत सारी बधाई दी और भी बातें बताई परीक्षा के बारे में और आगे के करियर के बारे में बताया। क्या बनना चाहते हैं? मेरा सपना शुरू से ही एक IAS ऑफिसर बनने का रहा है, और मैं BA करने के बाद और ग्रेजुएशन के बाद मैं IAS यानी कि UPSC क्रैक करना चाहूँगा। मैं अन्य छात्रों से यही संदेश देना चाहूँगा कि वो लोग पढ़े तो रेगुलरिटी से पढ़े और अपने नोट्स बना करके पढ़े और उसको रिवीजन करते रहें तो उनका अवश्य बेहतर परिणाम होगा। मेरा नाम कृष्ण प्रिया मिश्रा, बहुत उन्होंने पूछा, मेरा लक्ष्य पूछा और आगे क्या करना चाहते हैं। क्या आपका लक्ष्य, क्या बनना चाहेंगे? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और ग्रेजुएशन में मैम मुझे BLLB करना है। अन्य छात्रों को क्या प्रेरणा देना है जो अभी तक पढ़ रहे हैं? हाँ, उनसे मेरा यही कहना होगा कि आप मेहनत करें और साथ में लगातार मेहनत करें और अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत पे विश्वास रखें और कभी हताश ना हो और मेहनत करते रहें। सर जानवी शाही, क्लास 12 नेशनल इंटर कॉलेज बड़ौलगंज। उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया और पूछा कि भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि हमें नोट बना के पढ़ना चाहिए, खुद के नोट्स होने चाहिए तो उससे हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे क्या बनना है? सर मुझे डॉक्टर बनना है और एग्रीकल्चर के फील्ड में भी मैं पढ़ना चाहूँगी। हाँ, अभी योजना के तहत हम लोग नीट, JEE और NDA की कोचिंग कर सकते हैं। मंत्री जी ने आज बात किया, हाई स्कूल के टॉप 10 में जो बच्चे आते हैं वो 21 बच्चे हैं हमारे गोरखपुर के, और 12th में हमारे 12 बच्चे हैं। इस प्रकार 33 बच्चों से माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद किया था। कुछ निर्देश दिया गया सफलता का रहस्य उन्होंने बताया कि सफलता कैसे प्राप्त करनी है, जो बच्चों की भावनाओं को जाना और उनको मार्ग प्रशस्त किया कि कौन सी साइड अच्छी रहेगी, कोई साइड खराब नहीं है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें जाइए, और जो सरकार की योजनाएँ हैं चाहे विधवा योजना हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो,
चाहे वो उनकी कन्या सुमंगला योजना हो, छात्रवृत्ति को, सारे योजना के बारे में भी उन्होंने बताया। और साथ में जो अच्छी पुस्तकें हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से, जो प्रेरणादायक पुस्तकें 9 पुस्तकें जो थी हर बच्चों को दी गई हैं, सम्मानित भी किया गया, बच्चों को सम्मानित किया गया है सर बच्चों। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, वैसे मेधावी विद्यार्थियों के साथ संवाद, क्योंकि हमारे गोरखपुर को अब ज्ञान का केंद्र कहा जा रहा है, हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया, हमारे यहाँ बच्चे एक IAS में सहजनवा के 2 बच्चे, केदारनाथ शुक्ल रहे 2 बच्चे रहे, तो 2 एक IAS 2 IPS, तो वो एक रिजल्ट जो मिला महाराज जी को, उससे बहुत बल मिला बहुत, और महाराज जी की बातों से बच्चे बहुत सीखे। महाराज जी ने उनको अलग अलग फील्ड में भी जाने के लिए कहा, तो बच्चे UPSC ज़्यादातर बच्चों से बात हुई तो ये पता चला गोरखपुर के बच्चे वो सब देश की सेवा में आना चाहते हैं, IAS IPS अधिकारी बनना चाहते हैं, नीट से करके UPSC की के बोर्ड में ज़्यादा दिखाई दे। महाराज जी ने कहा कि आप लोग खेल में भी रुचि रखें और भी क्षेत्रों में आप लोग रुचि रखें ताकि आप लोगों का विकास अच्छे से हो। तो ये संवाद हमको लगता है, और अभिभावक भी थे, सारे प्रिंसिपल्स भी थे, एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। स्पेशली महाराज जी ने स्पोर्ट्स से लेके भी, चूँकि वो चाहते हैं कि ओलंपियंस भी रहें हमारे बच्चे, खेल कूद में भी आ गए हैं, तो एक बहुत अच्छा एक संदेशा गया। और ये संवाद मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को, गोरखपुर को, और आप लोग मीडिया के द्वारा ये बात जो निकलेगी, हमारे और भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं और थोड़ा रुचि जिन लोग अच्छे हैं जो और आगे बढ़ेंगे, ये बड़ा अच्छा पहल की महाराज जी ने, और इससे पता चलता है कि महाराज जी कितने सेंसिटिव हैं चीज़ों को लेके।